गा मर्जी ये बिल है भाई 51 लॉरीज का। आज ट्रिप का सेकंड डे है और सिटी जो है वो सेम सिग्नागी में ही हूँ मैं। और कल रात को जो है काफ़ी जल्दी यानी तकरीबन 9 बजे जो है मैं सो गया था क्योंकि इट वाज़ अ लॉन्ग एंड टायरिंग डे। तो आज सुबह 7 बजे उठ के अभी फ्रेश हुआ हूँ, अभी 8 बजे हुए हैं और बस अभी ब्रेकफास्ट के लिए बाहर जा रहा हूँ। और बाहर के जो व्यू हैं अर्ली मॉर्निंग में मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे मैंने कल भी आपको दिखाए थे लेकिन अभी दोबारा दिखा देता हूँ। एंड रात को भी इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज रियली नाइस बिकॉज यहाँ पर जो सनसेट था इट वाज लाइक अबाउट 8:20-8:30 पे सनसेट हुआ है और जब 9:10 तक ऑलमोस्ट बाहर जो है वो अभी रोशनी थी, तो 9:30 बजे तकरीबन जो है बाहर अंधेरा हुआ है। और इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग, आप सुबह उठते हैं यू हियर बर्ड्स और परिंदों की आवाज़ है और बड़ी बहुत सुकून है, कोई भी नहीं आपको नज़र आता। और व्यू जो है मैं आपको दिखाता हूँ बाहर निकल के, पहले तो क्योंकि रूम की जो एक सारी वॉल है वो शीशे की है तो आपको कुछ ऐसे सीन्स नज़र आते हैं। और रात को जब मैं बेड पे लेटा था 9 बजे सोने के लिए एंड इट वाज कम्प्लीटली लाइट आउटसाइड, तो इट वाज अ स्ट्रेंज फीलिंग, आप 9 बजे बेड पे हो और बाहर रोशनी अभी। और इट्स ब्यूटीफुल, क्या सुकून है और क्या ज़बरदस्त माहौल है, फ्रेश एयर और आप दूर दूर तक देख सकते हैं। और आई डोंट नो अगर आपको वीडियो में आवाज़ आ रही है या नहीं, अगर आपको बर्ड्स की आवाज़ आ रही हो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, वेरी नाइस फीलिंग रिलैक्स करने के लिए। आपको अगर थोड़ा सा सुकून चाहिए सिटी से हट के तो इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, यहाँ पर आके 2-3 दिन 4 दिन सुकून करें और सब कुछ भूल के। अभी सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ अगर आप उस पर फोकस करें तो हाउ गुड इट इज़ और कैसी फीलिंग आपको देती है। एनीवेज अभी प्लान आज का कुछ इस तरह से है कि अभी बाहर जाके ब्रेकफास्ट करूँगा और इस होटल में जो कि ये जो गेस्ट हाउस है यहाँ पर ये जिस रूम में अभी मैंने स्टे किया हुआ है ये रूम सिर्फ आज की डेट के लिए अवेलेबल था, तो इसका मतलब है कि आज 12 बजे जो है इस रूम को खाली करना पड़ेगा। लेकिन उनके पास दूसरा एक रूम अवेलेबल है जिसमें आपका टेरेस नहीं है बट एक विंडो है वहाँ पर, तो दे सेड कि अगर आप चाहते हैं तो आप वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कुछ प्लान ऐसा ही करना है कि मैं अभी ब्रेकफास्ट करके आऊँगा जब तकरीबन 12 बजे, तो आके इस रूम को खाली करके दूसरे रूम में शिफ्ट कर लूँगा, धूप बहुत तेज़ है यार, तो दूसरे रूम में शिफ्ट कर लूँगा और फिर 3-4 घंटे का रेस्ट करके, रेस्ट मतलब करके यहाँ पर टेरेस में सुकून से बैठ के, और फिर शाम को थोड़ा सा बाहर निकलूँगा दोबारा, बिकॉज मेरे इस ट्रिप का पर्पस जो था वो एक्सप्लोर करना नहीं था, मेरे इस ट्रिप का पर्पस जो है वो मोस्टली रिलैक्स करना है। तो
12 बजे ब्रेकफास्ट के बाद आके 3-4 घंटे रिलैक्स करके फिर 4-5 बजे बाहर जाऊंगा दोबारा से। और अभी ब्रेकफास्ट के लिए मैं आपको कैफ़े या रेस्टोरेंट कोई बाहर दिखाता हूँ, कोई जो मुझे करीब अच्छा मिलता है तो, एंड आई विल शेयर विद यू द प्राइस इज ऑल्सो। मेरे गेस्ट हाउस वालों ने बोला था कि ये ट्राई दिस निकाला निकाला कैफ़े और रेस्टोरेंट, सो लेट्स ट्राई दिस वन। शी सेड फूड इज़ वेरी नाइस एंड आई डोंट नो अभी ये खुला है या नहीं खुला। द टाइम इज़ 9:30 बजे, सो लेट्स गिव अ ट्राई। अगर खुला है तो अनफॉर्चुनेटली बंद है ये, क्योंकि यहाँ पर सिटी में बहुत लेजी सिटी है, लोग बहुत लेट उठते हैं, लाइक 9:30 बजे और रेस्टोरेंट्स में अभी क्लोज हैं। सो लेट्स फाइंड अनदर वन। आगे से थोड़ा सा मैं चक्कर लगा के आया हूँ और तकरीबन आधे घंटे के बाद 10 बजे अभी गुड न्यूज़ ये है कि रेस्टोरेंट ओपन हो चुका है ब्रेकफास्ट के लिए। यस प्लीज। रेस्टोरेंट वाले जो हैं उन्होंने ओपन तो कर दिया लेकिन फूड अभी भी आधे घंटे के बाद जब होगा, तो मीनवाइल आई रिक्वेस्टेड देम कि यार इट इज़ कॉफ़ी दे दो, तो दे सैड ओके फाइन, तो आधे घंटे के बाद फूड जो है वो सर्व करेंगे। अच्छा रिलैक्सिंग माहौल है, कोई भी नहीं है और वाकई में थोड़ी सी लेजी सिटी है और कैफ़े के व्यूज़ कुछ ऐसे हैं, अंदर भी सीटिंग है बट आई प्रेफर बाहर बैठे हैं सुकून से। अच्छा मौसम है। ये एम्प्लॉयज हैं उनके भाई, थैंक यू। ये भाई ऑमलेट विद चीज़ है, ऑमलेट विद वेजिटेबल्स है और वो ब्रेड है और चीज़ के साथ, और ये अपनी कॉफ़ी है और व्यूज़ काफ़ी खूबसूरत हैं। ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है और लेट्स हैव इट, लेट्स ग्रैब इट एंड लेट्स स्टार्ट। ये बिल है भाई 51 लॉरीज का। अभी इसमें 2 ऑमलेट, 2 ब्रेड और 2 कॉफीज़ और 1 ऑरेंज जूस है। सो दिस इज़ बताने का मकसद आपको ये है कि अगर आप विज़िट करते हैं तो आपको ये एवरेज प्राइस हैं। Small baby, 4 days.
तो ये जो है सेकंड रूम है, जो पहले वाला रूम था दैट वाज जस्ट हियर। आप ये वाली जो सीढ़ियाँ स्टेयर्स हैं ऊपर जाएंगे तो वो सामने ऊपर रूम था। ओके और अभी जो चेंज किया हमने रूम, वो रूम ये वाला है। इस रूम में सिर्फ ये बात है कि यहाँ पे टेरेस नहीं है, और ये रूम है अंदर से। और ये भी ठीक है, अच्छा रूम है। एंड ये विंडो है, इसमें ये विंडो बस ओपन हो जाती है। दिस इज नेट, ये नेट है। और ये कुछ अन इनवाइटेड गेस्ट हैं। सो हेलो औरा, अभी और ये टॉयलेट है, इसमें बाथटब नहीं है, बट इट्स ऑल गुड, इट्स फाइन। तो वो मिनी फ्रिज भी है, सॉरी ये दिखाना भूल गया। सो ये जो है अभी फ़िलहाल का रूम है, सो इट्स ऑल गुड, ठीक है, खूबसूरत है, चलेगा काम।